दोस्तों, सबसे पहले अजय जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है पोल्ट्री से रिलेटेड तो ये मुझे फ़ोन करते हैं, और आज सुबह जब मैं घर पे सो रहा था तो सुबह सुबह आपका फ़ोन आया कि सर आप फार्म पे अगर आ सकते हैं तो ज़रूर आइए, क्योंकि अभी जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत तेज़ धूप निकल रहा है, जिसकी वजह से अभी उमस भरी गर्मी पड़ रही है, और जो हल्की बारिश की वजह से जो ज़मीन पे फव्वारे पड़ते हैं और जब धूप निकलता है तो एक भाप की तरह वो ऊपर आता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उमस हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके फार्म पे आ रहा हूँ, और अभी मेरे साथ में अजय जी हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब इनसे मिलता हूँ। और दोस्तों, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, ये फार्मिंग से रिलेटेड अपडेट अगर कोई देना होता है तो ज़रूर मुझे याद करते हैं, और आप लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़े हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब इनसे मिलता हूँ, क्योंकि सर अभी फार्म पे चल रहे हैं जी, और वहीं पे चल के बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज जो है बर्ड्स कितने दिन के हो गए आपके? सर आज तो 24 दिन के हो गए। 24 दिन जी। अच्छा सर, ये पौधा किस चीज़ का है अभी जानना चाहेंगे आप? सर ये वाले जो पौधे, इसमें काफ़ी प्रकार के पौधे हैं, जैसे कि ये शहतूत हो गया जी, इसमें सहजन भी है जी, इसमें वो वाला जो पौधा आप सामने देख पा रहे हैं वो एक, उसमें का लकड़ी कम होता है, काठ जो बोलते हैं लकड़ी जी, वो कम होता है, पर उसका एक खूबसूरती बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, सहजन अक्सर देहात में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं सर, ये सर। कोई दवा? सर ये एक औषधीय पौधा है जो कि काफ़ी बीमारियों में बहुत ही अच्छे से काम करता है, जैसे कि अगर आपके गांठ पे कोई बीमारी मतलब दर्द हो रहा है जी, उस जगह पे अगर आप सहजन का इस्तेमाल करेंगे, सहजन की छाल का जी, तो आपको आराम मिल जाता है। छोटे बच्चों को अगर निमोनिया या मतलब जकड़न हो जाती है, उसमें भी सहजन बहुत काम करता है। अगर किसी भी भाई को बिच्छू ने डंक मार दिया है, उस जगह पे आप जैसे ही डंक मारे, तुरंत अगर आप सहजन की गाद जो जिसको बोलते हैं जी, सहजन में थोड़ा सा निकलता है लाल कलर का, वो अगर आप वहाँ उस जगह पे लगा देते हैं तो तुरंत दर्द आराम हो जाता है। इसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा जहाँ आप हॉस्पिटल जा सकें। तो इधर जो है पपीते का पौधा लगा है, यहाँ पर देखेंगे सर ये आंवला है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल आंवला है। और यहाँ पे केले का पौधा है, और फल आ चुका है, इसमें काफी फल आए हुए हैं सर। अभी एक उस साइड में घर गिर चुका है, ये अगला ये घर गिर रहा है जी, और इधर भी घर गिर गया है, इधर भी दिखाइए ये वाला। अच्छा ये कौन सा है सर? ये सर हरी छाल करके है। हरी छाल करके जी, जो कि इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है सर। अच्छा, इसकी क्योंकि सर इसका जो छीमी होता है जी, वो बहुत ही मोटा होता है और बहुत ही टेस्टी होती है सब्जी, और अगर इसको आप पका के भी खा रहे हैं सर जी, तो भी बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि काफ़ी मिठास होता है इस केले में। और सर आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जी, जैसे कि कुछ और भी औषधीय पौधे हैं जो मैंने अपने फार्म के जस्ट बगल में पूरा लगाया हुआ है, अगर आप दिखाना चाहें तो बिल्कुल, दिखा सकते बिल्कुल हैं, देखना चाहेंगे। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं, अभी पौधे बहुत ही छोटे हैं, पर उस साइड के क्या है, इस साइड में सर धूप नहीं आती है जी, क्योंकि इस साइड से धूप नहीं आती, बट उस साइड से क्या होता है काफ़ी धूप आती है, इसलिए मैंने उस साइड में पौधे लगा दिए थे पहले ही, थोड़े बड़े हो चुके हैं। और मैंने इस बीच में जो दो फार्म का बीच का भाग है, इसमें भी हमने पौधे लगाए हुए हैं, ये देखिए अभी बड़ा हो रहा पौधा, नीम का पौधा है, आम का पौधा है, कटहल का। अच्छा उधर उस साइड में कौन कौन से पौधे हैं सर? सर उस साइड में आप एक बार आ जाइए, फिर देख ही लेते हैं पूरा बाकायदा। सर यहाँ से आप देखना शुरू करिए, ये हमने लगाया है नींबू जी, इसके बाद ये है आंवला, ये वाला ये भी सहजन का भी है, अभी देखिए लगा हुआ है, पकड़ चुका है पौधा, धीरे धीरे ग्रोथ लेगा। और ये है आंवला जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, फिर है शहतूत, फिर ये देखिए ये भी सहजन है, अभी छोटा है पौधा, फिर उसके बाद में ये देखिए अमरूद है, फिर इसके बाद आंवला है, फिर बीच में सहजन है, उसके बाद में फिर ये शहतूत है। शहतूत का क्या होगा सर जी, कि ये थोड़ा सा और ग्रोथ होने के बाद में
जैसे इस साइज में आज जब ये आ जाएगा जी, तो इसको ऊपर से काट दिया जाएगा जी, फिर ये थोड़ा सा ऐसा खूबसूरती इसके अंदर आ जाती है, इसलिए इसको लगाया जाता है। और फिर इसके बाद में फिर से ये आंवला है, फिर यहाँ पे मैंने एक पौधा इसका लगाया है, ये जो का होता है सेमर, इसको सेमर सेमर जी जी जी। फिर सर ये है, फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये वाला भी फिर से आंवला है, और आंवले के बाद तो सर अब मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने मुझे फ़ोन किया था। तो मैंने सोचा दोस्तों को ठीक से आपका फार्म भी दिखा दूं और जो पौधे हैं उसको भी दिखा दूं जी। सर अभी गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, उमस भरी गर्मी है जी सर, और आपने बताया कोई फीवर टाइप का जो है फार्म में एक बीमारी जी आई है, तो उसके बारे में ठीक से आप बता दें और कैसी बीमारी है और इसके जो है बचने के उपाय किस तरह से हैं। जी जी सर, पहली बात तो ये है कि अभी का जो टेम्परेचर है जी बहुत ही ज़्यादा है सर, और सर ये टेम्परेचर मान लीजिए सुबह के टाइम पे आप देखते होंगे कि जब बारिश होने वाली होती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है जी, और बारिश जैसे ही निकलता है टेम्परेचर अचानक से काफ़ी हो जाता है 38 से 40 के सेंटीग्रेड के बीच। अच्छा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है इस साइड में जी सर। तो सर मैं पूरी भारत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे भारत में पता नहीं किस जगह पे कौन सा मौसम चल रहा है, कैसे भी मतलब सिचुएशन है, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, कहीं ज़्यादा भी होता है जी, और कहीं इससे लो भी होता है जी। मैं खास तौर से सर जो अपना उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती बहराइच और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और ही इसके करीब के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पर क्या है, अभी वायरल नामक वायरल की जो बीमारी चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुकी है जी, क्योंकि सर काफ़ी फार्मर्स हैं ऐसे और काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर अभी मेरे फार्म में ये आ चुका है, अब बताइए क्या करें। तो ये बीमारी सर ऐसी होती है कि इसका पहचानने का लक्षण है सर, लक्षण इसका ये होता है कि जैसे कि आपके बर्ड में बेचैनी आ जाएगी, पूरी तरीके से बर्ड बेचैन हो जाएगा, बर्ड दाना भी नहीं खाएगा और ना ही ज़्यादा पानी पिएगा, बैठ जाएगा सुस्त जी सर, बैठ जाएगा और हाँफना शुरू कर देगा, उसको ऐसा लगेगा, बेचैनी का मतलब सर होता है कि पूरी तरीके से बेचैन हो जाएगा वो। जब ऐसा सिचुएशन आपके फार्म में आ जाता है सर, और आपको पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ज़्यादा गर्मी है इसके लिए बर्ड ऐसा कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, पर सर ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके फार्म में वायरल आ चुका है, ऐसे अगर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो वायरल आ चुका है। अच्छा सर, मोर्टेलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है क्या? सर बिल्कुल, मोर्टेलिटी सर 10-5 तो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि बर्ड में जब बेचने आएगी, बर्ड दाना नहीं खाएगा, कोई बर्ड पड़ा रह गया ऐसे ही, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, फिर मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में सर अपने आप को अपने फार्म को बचाना है, अब वो बचाने के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा पहले से जी। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिल लेना चाहिए जी सर। सर उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके फार्म पर कोई बाहर से, पहले इसका बचाव और सुझाव मैं बताऊंगा आपको जी। जैसे कि बाहर से कोई डॉक्टर या सॉरी कोई भी फार्मर अगर आपके फार्म पर आता है, विजिट करता है, विजिट करता है, तो उसको डायरेक्टली अंदर न जाने दें जी। उसके लिए बाहर आपका जो फूड डिप होता है सर, उसमें चूना और हो सके तो ब्लीचिंग पाउडर, पानी, और हो सके तो जरा सा फार्मुलिन या जो सूजी आस्क वगैरह, या मतलब और भी बहुत सारी वायरल की बीमारियों के दवा हैं, उसको डाल के रखें, उसमें पैर रखवाएं, इसके बाद में ही अंदर जाने दें। या सर अंदर जो आप यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने फार्म में जब भी जाता हूँ तो मेरे पास बाहर की चप्पल दूसरी है और अंदर की चप्पल दूसरी है। जब हम अंदर जाते हैं या कोई भी मान लीजिए आता है डॉक्टर या कोई भी, तो वो भी वही चप्पल पहन के जाता है अंदर। तो ऐसे आप बना लें, क्योंकि ये टाइम बचाने का है सर, क्योंकि इस टाइम पे ही अक्सर करके ये बीमारी आती है जी। ऐसा देखा गया है सर जी, क्योंकि जब भी मैं किसी फार्म पे विजिट करता हूँ जी जी, तो वैसे मैं फार्म के अंदर जाता नहीं हूँ जी, बाहर से, क्योंकि जूम कैमरे का मैं इस्तेमाल करता हूँ जी, लेकिन फिर भी जो है जैसे पैरों में चूना और जो भी चीज़ें होती हैं उसको रगड़ना जरूरी होता है, और कोशिश करता हूँ कि दूर से ही मैं जी जो है वीडियो को शूट करूँ और आपकी राय लूँ जी। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि
मतलब कोई भी अगर बाहर से आता है तो डायरेक्टली उसे फार्म के अंदर नहीं जाना नहीं चाहिए, जाने देना चाहिए। इससे क्या होता है बहुत सारी बीमारियां फार्म में आने का डर रहता है। और सर और क्या क्या है साफ सफाई को लेकर बता दें। इसके लिए जैसे कि अभी आपने ये आपको अपनाना है, इसके बाद में सर इसका इससे अगर बचना है तो जैसे अभी मैं जो चला रहा हूँ वो मेरा है सूजी आस्क, ये मेरे किसान के पास था, फार्मूला सेम है, तो वो दवा मैं लेके आया हूँ और वो आप भी चला सकते हैं। उसको देने का ये होता है सर कि जैसे एक ग्राम दवा आप 1 लीटर पानी में, नहीं 1 ग्राम दवा 10 लीटर वाटर में आप पीने के पानी में यूज कर सकते हैं। और उस दवा को सर जैसे शाम के टाइम जब ठंडक थोड़ी सी हो जाए तो अपने फार्म के जो पर्दे होते हैं और जाली होती है उस पर अच्छी तरीके से छिड़काव कर दें। आपके फार्म के दीवार से 3 फीट दूरी तक अच्छे से छिड़काव कर दें और बर्ड के ऊपर ना डालेंगे तो भी चलेगा, वो ठीक रहता है। बाहर ही छिड़काव कर दें क्योंकि सर कोई भी वायरल आता है तो बाहर से ही अंदर जाता है जी। और जहां से आपका मेन रास्ता हो सर, जैसे कि आपका दरवाजा हो गया, दरवाजे तो दरवाजे के सामने जो भी जैसे कि जहां पे आप लोग को लगता हो कि यहां से लोग अक्सर आया जाया करते हैं उस जगह पे इस दवा का जरूर छिड़काव करें। और एक मेरे पास देसी नुस्खा है सर जो कि मैं अपनाता हूँ जब मुझे लगने लगता है, वो तो मैं परमानेंटली फिलहाल यूज करता हूँ हफ्ते में एक बार सर। प्याज जो होता है वाइट वाला, इस वाइट वाले प्याज को अगर वाइट वाला नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है लाल वाला प्याज जो होता है वो उसको ले लें और उस प्याज को इतना बारीक कटिंग करें, बारीक बारीक कटिंग करने के बाद में हाथ से मसल देंगे। हाथ से मसलने पे सर क्या होता है वो सारा उसका जो फलियां होती हैं सब टूट जाएंगी और वो अपने फार्म में छिड़क दें। उससे क्या होगा कि इनके बर्ड के जो नाक में एक गंध जाती है, प्याज के अंदर वो गंध होती है, ये क्या करता है सर कि इनके नाक को बंद नहीं होने देता है या वायरल इनको अंदर जाने नहीं देता है। तो ये भी एक देसी नुस्खा था सर। अच्छा सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है फार्म में जी सर तो डॉक्टर से भी मिलना जरूरी होता है सर? बिल्कुल बेशक, अगर आपको लग रहा है कि आपके फार्म में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो पहले अपने यहाँ के डॉक्टर से मिल लें। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद में ही आप अपने फार्म में कोई भी दवा प्रयोग करें। अच्छा सर, वैसे 40 दिनों में हल्का फुल्का फीवर कभी कभी आ जाता है फार्म में जी, जी। तो नॉर्मल होता है, लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया कि बरसात के दिनों में जब उमस भरी गर्मी होती है तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है सर। और सर एक चीज और है, जैसे कि अभी पोल्ट्री का जो तैयार माल है इसका रेट डाउन होता जा रहा है जी। उसी में किसान की मोर्टेलिटी भी हो जा रही है, काफी मोर्टेलिटी हो रही है, तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से सर मैंने सोचा, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था कि सर अगर पहले से ही हम लोग बता देते हैं और वायरल फैल रहा है अभी पूरी तरीके से फैला नहीं है तो लोग सतर्क हो जाएंगे। हाँ, जो नए फार्मर हैं जिनको नहीं पता है जी वो सतर्क हो जाएंगे और उनको ठीक से पता भी चल जाएगा किस तरह से क्या करना है जी। और मीटर की गुड़ाई भी सर जरूरी होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसा कि आप बताते रहते हैं जी सर। और अभी वहाँ से जो है बर्ड्स वो फार्म फुल हो गया था सर, यहाँ पर कितना आपने डाला है उस फार्म से? इसमें से अभी 300 है, 300 और इसमें 200 और डालने वाला। अच्छा, उसमें अभी 1700 है, 300 इसमें आ चुके जी सर, यानी 500 इसको करने वाले हैं, 1500 उसको करने वाले हैं। इनका वेट क्या होगा सर अभी? सर अभी इनका वेट लगभग 1300 ग्राम में है। कितने दिन के हैं सर? आज 24 दिन हुआ है, वेट काफी अच्छा है सर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और जितना हो सकता है मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।